विशाल माउंटेन माउंटेन एरिया। जामी मस्जिद 300 रुपये फॉरनर, 25 रुपये भारतीय और 15 साल से कम बच्चों के लिए फ्री। टिकट कटा लें। पुरान धुरान चीज देखने आए। कहाँ बीचे बीचे यार निकल है, साइड से चलो घूमते आते हैं। ये तेरा मस्जिद में बस यही बड़ा मेरी लाजी लगते लेके घूमे में वाला से बढ़िया मस्जिद में बस कुछ समय तो हेले नहीं, बस खाली बस बनावट ही में बस बनावट ही बनावट नहीं, बस कुछ नहीं, बस केवल बनावट होता है इसमें, मूर्ति वगैरह पहले के जमाने की सब बनाई हुई कला। बस इसमें कुछ नहीं होता, बस बनावट ही हम देखने आते हैं, पुरानी चीज पहले की कैसे बनावट है, इसमें और कुछ नहीं मिलेगा। मस्जिद मतलब मस्जिद केवल बनावट, इसमें पहले का दफनाया गया होगा राजा महाराजा का शव। अब ये दोनों साइड आप लोगों को दिखा दें, इस साइड पहले आप देख सकते हैं।
लिए खींच रहा फोटो। अरे तो क्या देखोगे 25 रुपए में, 25 रुपए मिलता क्या है? अरे जंगल क्या है, पुरानी चीज है, इसमें बनावट दिखाना दिखा रहा है, वो सब पहले की है, और क्या दिखा रहा है इसमें? ये 25 रुपया महंगा ले लिया ना। आउटसाइड खेती बाड़ी भी हो रही है। अभी हो रहा माउंटेन पहाड़। इसमें जाले वाले में जाओगे क्या? ये देखो यहाँ पे सब बनाया हुआ है, ये वाला इसके ऊपर छत है इसमें, और इसमें इसके ऊपर छत है, ये जाला भी लगाया हुआ है उसमें, और इसका ऊपर वाला बनावट देख लो, ऊपर वाला वो सिर्फ फोटोग्राफी के लिए, वो चढ़ के खिंचा लो। जामी मस्जिद अरे तो उसमें जाके क्यों खिंचाना है, यहाँ से ऊपर। अरे तो जाते होंगे तभी तो बनाया है, चलो ना। अरे इधर भी है थोड़ा बहुत देख ले। अरे अभी नीचे भी है, इधर जाने वाला है। हम लोग इसको बहुत छोटा समझ रहे थे कि चलो ठग दिया। वो देखो उधर भी अभी है, ऊपर से आते हैं घूम के तब इधर चलेंगे। चले पहले इधर, इधर कुछ नहीं है, क्या नहीं? वो पार्क है। इस पर ताला लगा है, ताला। अरे वो इधर ही जाने का, वो जो जाला वाला घेरा है ना उसी में जाने का है वो वाला। इधर नीचे से घूम के आते हैं। होशगंज शाह का मकबरा, होसंग शाह, होसंग शाह संगमरमर के, वो हिंदी में लिखा है ना, कितना 1880, वो कितना है ये 5 है सही 5। यहाँ 1440 का है ये वाला हिंदी में थोड़ा। इधर उस पर सुधर से घूम के, उसमें से असली चीज तो इसमें है घूमने वाला। यहाँ से पिक लेने वाला है, अच्छा ये पूरा आएगा ये वाला छत, और ये वाला जो है ना इतना बड़ा है, ताजमहल कैसे भी बड़ा है ये चढ़ने वाला है इस पर। Thank you.
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। यही देखने के लिए इसमें आए हैं, ये वाला जो गड़े हुए हैं। अब हो गया इधर, ये वाला घूम लेते हैं। ये वाला इसमें ऐसा क्या है, इसमें भी दफनाया गया है, पत्थर के ऊपर ही दफना दिया है ना, इसके नीचे तो गुफा की तरह है, क्या पता कौन कहां तक जाएगा। ये देखो धर्मशाला, इतना मोटा मोटा पत्थर लगाए होंगे उसमें। जब आओ तो पूरा भीतर तक घूम के जाओ, फिर इसमें केवल पत्थर छोड़े हैं, इसमें कुछ नहीं है, केवल पत्थर बिछाया गया है, तोड़ा हुआ पत्थर रखा हुआ है। मतलब इससे ये साबित होता है कि ऐसे ऐसे पत्थर लगाए गए हैं इतना बड़ा बड़ा, और उस आकार में कैसे काटे होंगे उस समय में, नीचे वाला सब फर्श ऐसे है ना। बस हो गया, फिर यहाँ पे एक पिक ले लेते हैं, देखो कितना पत्थर रखे हैं। बस इस जगह का टूर ख़त्म। अगर आपको अच्छा लगे, ये जस्ट उस मस्जिद के जामी मस्जिद के सामने है, इस पर से ये देखो यहाँ से फोटो लेने के लिए लोग खड़े हो रहे हैं, वो सामने दिख रहा है थोड़ा सा, और यहाँ ये दिख रहा कि दीवार टूट गया है सारा सामने वाला, और अंदर क्या यूज होता था इसमें ये दिखा रहा है अंदर वाला, कैसे ईंट पत्थर डाल के मिट्टी वगैरह बनाते थे दीवार, और ऊपर से ये मोटा वाला इतना ये लगा देते थे। यहाँ पे यही दिखा रहा है, और कुछ है भी ये इतना मोटा दीवार के बाहर। ये इतना मोटा मोटा ये वाला लगता था बाहर से, और भीतर वो ईंट पत्थर वो जो मिल गया डाल दिए। ये जस्ट इसके सामने है, और यहां से पास से देख लो
हो कितना मोटा मोटा पहले का दीवार था, ये कम से कम अगर ऐसे ही वीडियो और भी चाहते हैं ट्रेवल से संबंधित मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि ऐसे ही वीडियो मिलती रहे।